नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल। आईपीएल 2022 में 30 मैच के बाद पॉइंट टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम ऊपर गई, कौन सी टीम नीचे गई, हम आपको बताने वाले हैं। आईपीएल 2022 का 30वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ। मैच को जीता राजस्थान रॉयल्स ने, काफी कमाल का मैच था। लेकिन इस मैच के बाद क्या हुआ, कौन सी टीम ऊपर, कौन सी टीम नीचे, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, आपको बताते हैं पूरी अपडेटेड पॉइंट टेबल 30 मैच के बाद आईपीएल 2022 की। पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस है। गुजरात टाइटंस 6 में से 5 मुकाबले जीत चुकी है और अभी भी टॉप पर बनी हुई है। 6 में से 5 जीत कर एक हारी है। 10 पॉइंट इकलौती टीम है जिस पर 10 पॉइंट है, प्लस 0.395 की नेट रन रेट है। दूसरी टीम देखिए राजस्थान रॉयल्स, जो 30वें मुकाबले में जीती है, डायरेक्ट दूसरे नंबर पर पहुंची, इससे पहले 5वें नंबर पर थी, डायरेक्ट दूसरे नंबर पर जंप लगाई है। 6 में से 4 मुकाबले जीतकर 2 हारकर 8 पॉइंट लेकर प्लस 0.380 की नेट रन रेट के साथ में दूसरे नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स। तीसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स है। 6 में से 4 मुकाबले ये भी जीते हैं और 2 हारे हैं, 8 पॉइंट इनके पास भी है, प्लस 0.296 की नेट रन रेट है लखनऊ सुपर जायंट्स के तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर यानी कि RCB। 6 मैच 4 जीते 2 हारे, 8 पॉइंट, प्लस 0.142 की नेट रन रेट है। इसके बाद 5वें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं, 8 पॉइंट है, माइनस 0.077 की नेट रन रेट है। ये टॉप 5 टीमें हैं। पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे लखनऊ, चौथे पे RCB और पांचवे पे है सनराइजर्स हैदराबाद। अब देख लेते हैं कि बॉटम की 5 टीमें 6 से 10 तक कौन सी हैं। तो मेरी स्क्रीन पर, पीछे वाली स्क्रीन पर अपडेट हो चुकी है लिस्ट और देख लेते हैं। देखिए 6 से 10वें नंबर पर कौन सी टीम है। 6ठे नंबर पर KKR है। KKR जो IPL 2022 का 30वां मुकाबला आज हारी है, तो KKR 6ठे नंबर पर पहुंची है हार के साथ। 7 मैचों में से 3 जीती है, 4 हारी है टीम। 6 पॉइंट है, 0 प्लस 0.160 की नेट रन रेट है। 7वें पर है पंजाब किंग्स। 6 मैच हुए हैं, 3 जीती है, 3 हारी है, 6 पॉइंट है, प्लस 0.109 की नेट रन रेट है। और 8वें नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स DC, ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलने वाली टीम। 5 में से 2 ही जीती है, 3 मैच हारी है, 4 पॉइंट है और प्लस 0.219 की नेट रन रेट है। 9वें नंबर पर और 10वें नंबर पर टीमें काबिज हैं दोनों अभी भी, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। 9वें पे चेन्नई सुपर किंग्स है, 6 में से 1 ही मुकाबला जीती है, 5 हारी है, 2 पॉइंट है, माइनस 0.638 की नेट रन रेट है। और 10वें नंबर पर मुंबई इंडियंस है, 6 में से 1 भी मुकाबला नहीं जीती है, 6 हार गई है, 1 भी पॉइंट नहीं है, माइनस 1.048 की नेट रन रेट है। तो बॉटम की 5 टीमें देख लीजिए, 6ठे पे KKR, 7वें पे पंजाब, 8वें पे DC, 9वें पे CSK और 10वें पे है मुंबई इंडियंस। तो टॉप 5 भी बताएं, बॉटम 5 भी बताएं हमने आपको। आपको क्या लगता है कौन सी जो 4 टीमें हैं प्लेऑफ में जाएंगी और कौन सी टीम इस साल जीत सकती है, आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। स्पोर्ट्स और IPL से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स फैक्ट के यूट्यूब चैनल को। और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।